सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा हो गए गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको सीखना है इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना और कैसे करते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना गाइस। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हाँ गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ और पिक्सआर्ट कर लेते हैं ऑन। तो गाइस पिक्सआर्ट ऑन कर लेते हैं और पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद आपको उस प्लस का आइकन पर क्लिक कर लेनी है और क्लिक करने के बाद अपने फाइल में आ जानी है। ठीक है, चलते हैं अपने फाइल में। फाइल में आने के बाद ये वाली बैक, ठीक है, तो हमारा जो बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर करना क्या है, आपको जाना ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में चलते हैं। ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और ये वाली फोटो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ऐड। तो आपको कुछ इस तरीके से अच्छे से ऐड कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे कर देते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में और फायर वाली जो हैंड है उसको मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। चलते हैं अपने फाइल में और फाइल में चलने के बाद आपको दो बार ये दोनों ले लेनी है। और दोनों लेने के बाद सबसे पहले आपको एक कोई किसी को सेट कर लेनी है। तो मैं कर लेता हूँ इसको सेट। तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है, थोड़ा ऑपेसिटी को कम कर लेनी है। ठीक है, उसका क्या करना है, इरेजर पर क्लिक करना है। और इरेजर पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से क्लिक करना है, आपको हार्डनेस को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, पूरा उसके बाद ऑपोजिटिव हल्का सा कम कर देना है। ठीक है, और फोटो को जूम करना है। आप बाकी अपने फालतू जो दिख रहे हैं इसको कर लेनी है इरेज। कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेनी है, हल्का हल्का साइड से मार लेनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से कर लेते हैं इरेज और यहाँ से कर लेते हैं डन। फिर से क्या करेंगे, ऑपोजिटिव को अपना बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो हैंड अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और क्या करना है, सेकंड पार्ट वाला जो है और इसको मैं सेट करने हो तो यहाँ से करते क्या, इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो साइज को छोटा कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं सेट। तो फिर से छोटा करेंगे। मैं सारा का लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए सेट। तो फिर से क्या करेंगे, ऑपोजिटिव को कम करेंगे और कम करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा जूम करना है। और जूम करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है और यहाँ से हल्का से छोटा कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होगा ताकि पता ना चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं सेट। और क्या करना है गाइस, आपको इरेजर पर क्लिक करना है और फिर से इरेज करना है। ठीक है, क्लिक करना है, सॉरी गाइस, उसे क्या करना है, हार्डनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा ऑपोजिटिव को कम कर लेते हैं, साइज को बड़ा कर लेते हैं, फोटो कर लेते हैं जूम और बाकी इरेज कर लेते हैं जितना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना गाइस। यहाँ से कर लेते हैं इरेज, इसके बाद यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद थोड़ा ऑपोसिटी को बढ़ा लेते हैं। तो वैसे आप देख सकते हो तो अच्छे तरीके से यहाँ सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन और फिर से चलते हैं ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद अपने फाइल में आ जानी है। तो चलते हैं अपनी फाइल में और फाइल में आने के बाद क्या करना है, आपको ये वाली फायर ले लेनी है। उसका क्या करना है, आपको ये वाली ले लेनी है। ठीक है, तो पहले ये फायर वाली को जो यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। तो मैं कर लेता हूँ इसको सेट और चलते हैं थोड़ा ब्रांडिंग मोड में और यहाँ से कर लेते हैं स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रखूँगा। और क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ा आपको ऑपोजिटिव पे क्लिक करके आता है, ऑपोजिटिव कम कर लेनी है और इरेजर पर क्लिक करना है। और इरेजर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको हार्डनेस को बढ़ा लेनी है और साइज़ को छोटा कर लेनी है। बाकी आपको जो फालतू फाट दिख रहे हैं यहाँ से कर लेनी है इरेज। कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना होगा गाइस। तो ऐसा लगना चाहिए, यहाँ पे कुछ आग वग जल रहा है। ठीक है, हल्का हल्का मार देंगे और यहाँ से करते हैं डन। और डन करने के बाद थोड़ा ऑपोजिटिव को यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो अच्छी तरीके से यहाँ सेट हो चुका है। तो और इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। आपको करना क्या है गाइस, आपको यहाँ से पहले इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, फिर से आना पॉइंट ऐड फोटो में और ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से अपने फाइल में आ जानी है। उसके बाद फिर से फायर लेना है और फिर से आपको यहाँ पे कर लेनी है ब्रांडिंग मोड में जाकर। सॉरी गाइस, ब्रांडिंग मोड में जाने के बाद आपको यहाँ से कर लेनी स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद थोड़ा इसको साइज़ को छोटा कर लेना है और थोड़ा आपको यहाँ पे सेट कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से कर लेते हैं सेट। इरेजर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा आपको यहाँ पे इरेज कर देना है, बाकी फालतू जो दिख रहा है इसको इरेज कर लेंगे। तो बस आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या इसका क्या करना है, आपको फिर से जाना है ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद आपको फाइल में जानी है, आपको ये वाली फाइल ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट आपको इफेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो है इसको मैं कर लेता हूँ डन। और डन करने के बाद आपको जाना है ब्रांडिंग बोर्ड में और यहाँ से कर लेनी स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और उसे क्या करना है, आपको इरेज पे क्लिक करना है। उसे क्या करना है, फिर से हार्डनेस को बढ़ा लेनी है और साइज़ को छोटा कर लेनी है। आपको यहाँ से इरेज कर लेनी है, तो कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना है गाइस, ताकि ये लगे कि अंदर से हाथ से जो भी है। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं इस तरह से।
तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छे तरीके से जो सेट हो चुका है। यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो आप क्या करना है, आपको जाना है थोड़ा यहाँ पे कुछ शैडो देना है, येलो शैडो, और यहाँ पे जो देख रहे हैं पानी पानी का है जो वाटर का है उसको मैं उसको भी थोड़ा शैडो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आपको टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है इस पर एडजस्ट में जाना है, और एडजस्ट में जाने के बाद क्या करना है आपको सबसे लास्ट में आना है और टेम पे क्लिक करना है, और यहाँ सबसे पहले येलो टोन मार लेते हैं, तो येलो टोन पूरा फुल कर देंगे। और उसका क्या करना है आपको इरेजर पे क्लिक करना है और इसको हटा देना है यहाँ से। उसका क्या करना है थोड़ा ओपेसिटी को यहाँ हार्डनेस को कम कर देनी है, ओपेसिटी को कम कर देना है और थोड़ा साइज़ को छोटा कर लेना, और फिर यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे और थोड़ा आपको यहाँ पे हेयर हेयर पर मार देंगे हल्का हल्का इसको, ठीक है, और थोड़ा आपको यहाँ फेस पे लगना चाहिए ताकि जो यहाँ पे आग जल रहा है थोड़ा तो इफेक्ट पड़ना यहाँ पे बनता है, ये तो लगेगा फेक है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप येलो का टोन मार दोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देनी है। मैं यहाँ से करता हूँ डन, और डन करने के बाद क्या करना है फिर से आपको इरेजर पे क्लिक करना है, और फिर से आपको थोड़ा क्या करना है हार्डनेस यहाँ बढ़ा लेनी है और थोड़ा साइज़ को छोटा कर लेनी है, और फिर से आपको जाना है वो हल्का हल्का थोड़ा साइडनेस छोड़िए बस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा और मार देंगे। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ शैडो बन चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है आपको फिर से एडजस्ट में जाना है। तो एडजस्ट में जाने के लिए टूल्स में चलते हैं, और टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में आते हैं, एडजस्ट में आने के बाद आपको टेम पे क्लिक करना है और थोड़ा इसको आपको ब्लू टोन पर इसको कर देंगे फुल। फुल करने के बाद आपको जाना है इरेज पे और यहाँ से हटा देनी है, उसे क्या करना है आपको हार्डनेस को कम कर देनी है और ओपेसिटी को कम कर देनी है और साइज़ को छोटा कर देनी है। और चलते हैं यहाँ पर थोड़ा साइड मार लेते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ कर देनी है गाइस। तो गाइस देख सकते हो कितने बेहतरीन लग रहा है, थोड़ा थोड़ा शैडो मारेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शैडो मारने का मतलब क्या है ना कि थोड़ा आपको तो रियलिटी लगेगा, ठीक है, फेक नहीं लगेगा, रियल लगेगा। थोड़ा मैं फेस वाला थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो थोड़ा आपको यहाँ पे हार्डनेस कम करनी है, ओपेसिटी को कम कर देनी है, तो यहाँ तो मैं फेस का थोड़ा सा मार देता हूँ, ख़त्म हो जाएगा। हल्का हल्का फेस पे रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो वैसे यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है गाइस आपको यहाँ पे आप कुछ कलर सेटिंग करना है। तो कलर सेटिंग करने के लिए चलते हैं लाइट रूम की तरफ, और लाइट रूम में जाने से पहले क्या करना है आपको फोटो को कर लेने से आप, तो चलते हैं ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद आपको तीन डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक करके आपको फोटो को सेव कर लेनी है, और चलते हैं लाइट रूम की तरफ। लाइट रूम को ओपन ओपन करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से कर लेनी अपने फोटो को ऐड। तो यहाँ पर कुछ खुल रहा है गाइस, तो गाइस हमारा जो फोटो यहाँ पे ओपन होने वाला है, सॉरी दिख नहीं रहा है गाइस, तो यहाँ पे कर लेता हूँ टाइम, और टाइम पे देखते हैं कि कहाँ मेरा फोटो मिल सकता है। हाँ, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद आपको क्या करना है आपको फोटो को ओपन कर लेनी है। फोटो को ओपन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से सेटिंग करना है। तो चलते हैं लाइट, सबसे पहले लाइट पर क्लिक करना, और लाइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट को कम कर देनी है, ठीक है, थोड़ा आपको साइड को यहाँ बढ़ा देनी है, ठीक है, वाइट बैलेंस को पूरा हल्का सा कम रखना है, ठीक है, और क्या करना है गाइस थोड़ा आपको ब्लैक को थोड़ा यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है, थोड़ा ये चमक आ जाएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, उसमें मिक्स पे क्लिक करते हैं, और मिक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा यू को आपको कम कर देनी है, और क्या करना है आपको थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा देनी है, और लुमिनेंस को आपको यहाँ पे देख लेनी है, तो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको ब्लू टोन पे क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, सॉरी कम कर देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो भाई गजब ना क्यों, सॉरी गाइस, तो ज़्यादा ही काम करने लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा लिया हूँ, ठीक है, अब थोड़ा लुमियंस को यहाँ पे थोड़ा यहाँ बढ़ा लूँगा, ठीक है, और क्या करना है गाइस आपको येलो पे क्लिक करना है इस पर, ठीक है, उसके बाद क्या करना है थोड़ा आपको इसको यहाँ पे डार्कनेस कर देनी है, ठीक है, देख सकते हो, तो थोड़ा यहाँ कम कर देंगे यू को, थोड़ा आपको यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा मैं बढ़ा दूँगा ताकि जो डार्कनेस है टी शर्ट और जो कलर है मस्त वाली हो जाए, तो यहाँ बढ़ा लेते हैं, थोड़ा लुमियंस को आप यहाँ पर बढ़ा लेना, ठीक है, तो यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद आपको इस पे जाना है गाइस, थोड़ा यू को सॉरी ऑरेंज टोन पे जाना, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे सैचुरेशन को लुमियंस को बढ़ा देनी है, थोड़ा आपको थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे रखनी है ऐसे कम ज़्यादा करके, ठीक है, तो यहाँ से मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, थोड़ा येलो टोन मिलेगा तो ज़्यादा मस्त लगेगा गाइस, देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। उसके क्या करना है थोड़ा यू को यहाँ पर मैं रखूँगा गाइस, कुछ यहाँ पर कम करूँगा थोड़ा और, तो कुछ इस तरीके से गाइस करना है। तो वैसे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। उसका क्या करना है थोड़ा आपको इस यहाँ पे वाइब्रेंस को बढ़ा लेनी है गाइस, ठीक है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं गाइस, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद थोड़ा वाइब्रेंस वाइब्रेट को बढ़ा लेते हैं। उसके क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है,
ठीक है। तो शार्पनेस के लिए बढ़ा लेता हूँ, और शार्पनेस को बढ़ाने के बाद आपको थोड़ा फेस स्मूथ करने के लिए आपको थोड़ा इस पर बढ़ा लेनी है, और थोड़ा कलर नॉइस के लिए इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा जो फोटो है यहाँ पे अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, तो गाइस आप देख सकते हो हमारा फोटो कितना बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल मस्त लग रहा है। तो गाइस अब इसको सेव करने के लिए क्या करना है आपको, तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद फोटो स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके और यहाँ पे कर लेंगे इस पर क्लिक, और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो हमारा जो फोटो है HD में फुल HD में सेव होता है। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो गाइस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।